दोस्तों, हमारे चैनल स्पीकिंग 01 ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और अभी हम आए हैं मित्रों की वाड़ी जो वरियाव है वहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे एक खेत है और खेत में हर प्रकार के आपको यहाँ पे पक्षी देखने को मिल जाएंगे। और मित्र की वाड़ी ये सूरत में जो वरियाव विस्तार है वहाँ पे आई हुई है। और वरियाव मेन रोड से आपको ऐसा बोर्ड देखने को मिलेगा। दोस्तों, फाइनली हम मित्रों की वाड़ी में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कई प्रकार के पक्षी यहाँ पे अवेलेबल है जिसे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ आना हो तो हम गूगल मैप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, जिसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ पे कई प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल स्पीकिंग 01 ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं मित्र की वाड़ी पे। तो मित्र की वाड़ी में हितेश भाई हमको ये जगह के बारे में बताएंगे। तो हितेश भाई, ये मित्र की वाड़ी में जो जो पक्षी है उसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम हितेश भाई है। अरे ये जो आया जहांगीरपुरा वरियाव है, वरियाव के पास है मित्रों की वाड़ी। वहाँ संडे के दिन क्लोज रहता है, बाकी के सब दिन चालू रहता है। इधर सब आपको बर्ड मिलेगा देखने के लिए, कॉकटेल्स है, मकाओ, अफ्रीकन ग्रे, पाइनएपल कनूर, सन कनूर, ऑल बर्ड है, सब बर्ड देखने के लिए मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप यहाँ आते हो तो आपको सभी प्रकार के बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं पीछे अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के बर्ड्स हैं यहाँ पे, उसकी आवाज़ भी आप अभी सुन रहे हो। और इसके अलावा और भी बातें यहाँ की जो हितेश भाई हमको बताएंगे। फुल्ली हैंड टेम भी बर्ड है, अफ्रीकन ग्रे है, सन कनूर है, लॉबर्ट है, और सो बजरी है, और बाकी के है काकाटूल है, सब बर्ड दिखने के लिए मिलेंगे आपको। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी सब मिलेंगे इधर आपको।
तो दोस्तों आप यहाँ आ सकते हो, सोमवार से शनिवार तक ये खुला रहेगा और संडे को ये क्लोज रहेगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है। कोई भी त्यौहार में भी आप यहाँ आना हो तो आ सकते हो। इसके अलावा आपको देख सकते हो कई प्रकार के बर्ड्स है, पूरा यहाँ पे पिंजरा ढका हुआ है और पीछे आप देख सकते हो बर्ड्स की आवाज़ भी आपको यहाँ पे सुनाई देती है। ये कौन सा है? काकाटूल। दोस्तों अभी आप देख रहे हो ये बर्ड्स बहुत आवाज़ कर रहा है, एक काकाटूल्स नाम का बर्ड्स है देखो। और यहाँ पे कई प्रकार के छोटे छोटे पक्षियों के लिए पिंजरे भी बनाए गए हो जिसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे खाने के लिए उसको जो सारे इंतज़ाम भी यहाँ पे होते हैं, और आप पीछे देख सकते हो पानी के लिए, खाने के लिए सब इंतज़ाम यहाँ पे होता है।